Thank you.
wonderful audience. Thank you. And before we end, there are a couple of people that actually I would like to thank on behalf of Amante. Our choreographer for this evening, please put your hands together for Vabis Mehta. मेरे ख्याल से कैलेंडर गर्ल एक ऐसी फिल्म है, एक एस्पिरेशनल फिल्म है, रियलिटी फिल्म है, जैसी मेरी अन फिल्म रही है वो दिखाती है, सच्चाई दिखाती है कि कैलेंडर गर्ल्स क्या है मुंबई शहर में, जब लड़की अलग अलग स्टेट से अलग अलग प्रांत से आती है और वो कैलेंडर गर्ल बनना चाहती या एक स्टार बनना चाहती है, तो पाँच लड़कियाँ आती है मुंबई शहर में और कैलेंडर गर्ल्स का पूरा जो एक जर्नी है कि कैलेंडर गर्ल्स तो बन जाती है, उसके बाद जो जर्नी है ये वो दिखाता है। और जो मेरे ख्याल से मैंने हमेशा कहा है, जैसे आपने कहा है कि सच्चाई है, हकीकत है, और मैंने बहुत अच्छी तरह इसको ब्लेंड किया है, फिक्शन और सच्चाई के बीच का जो कॉम्बिनेशन है और जो अलग फिल्मों में देखने मिला वो आपको कैलेंडर गर्ल्स में देखने मिला। एक और सवाल है मेरा, सवाल ये है कि कहा जाता है कि इस फिल्म में ग्लैमरस तो है ही, साथ में पैसा भी बहुत है, लेकिन एक्सप्लॉयटेशन की भी बहुत सारी बात कही जाती है। मेरे ख्याल से जो आपने मुद्दे जो मुझे कहा है, जो सवाल पूछा है, मैं डेफिनेटली कहूँगा कि कहीं जो सच्चाई है, जो मैंने हमेशा फिल्में बेबाकी से बनाई हैं, चाहे वो मैंने हीरोइन बनाई हो, फैशन बनाई हो, ट्रैफिक सिग्नल बने, कॉर्पोरेट वर्ल्ड पे फिल्म बनाई हो, मैंने हमेशा बेबाकी से चीज़ सामने रखी है। और कैलेंडर गर्ल में भी वो हकीकत है, वो सच्चाई है, जो मेरे ख्याल से जो एक कॉमन मैन है जो हिंदुस्तान में किसी भी प्रांत में हो वो देखना चाहेगा, एक जिज्ञासा है कि वो कैलेंडर गर्ल है क्या, इसके पीछे की सच्चाई क्या है, लोग कहाँ से इससे जुड़े होते, किस तरह से लोग आते हैं इससे। कैलेंडर गर्ल का जब सिलेक्शन होता है, कहीं 100-200 लड़कियां ऑडिशन होती है, कहीं लोग इससे जुड़े होते हैं, उसमें से पांच लड़कियां सिलेक्ट की जाती है और क्या होता है उनके साथ या उनकी जर्नी क्या होती है एक बार कैलेंडर गर्ल बनने के बाद वो दिखाते हैं। एक आखिरी सवाल सर मेरा, क्या इस बार के सारे नेशनल अवार्ड भी आपको मिलेंगे? नहीं नहीं, मैं देखिए मैं फिल्म कभी बनाता हूँ ये नहीं सोचता हूँ नेशनल अवार्ड है, स्टेट अवार्ड है या पॉपुलर अवार्ड है। मेरे ख्याल से फिल्म जो बनती है वो एक कन्विक्शन से बनती है, एक फिल्म मेकर के कला से बनती है, एक उसके उसकी जो थॉट से बनती है। मुझे अच्छा लगा कि सब्जेक्ट मैंने एक्सप्लोर किया क्योंकि ये सब्जेक्ट किसी ने बनाया नहीं हिंदुस्तान में, और कैलेंडर गर्ल्स का जो हमेशा एक हवा बना हुआ है या हमेशा उसकी हम बात करते हैं, उसकी चर्चा करते हैं कि कैलेंडर गर्ल ये, कैलेंडर गर्ल वो, कई लोग इससे जुड़े हुए होते हैं, कई बड़ी बड़ी स्टार्स बनी है, कई जो ऐसा भी है कि कैलेंडर गर्ल से कैलेंडर बनने के बाद कुछ नहीं हुआ उनका, ऐसी भी चीज़ें, तो मैंने ख्याल से वो हकीकत है, जो सच्चाई है आपको इस फिल्म में देखने मिलेगी। मधुकर आपने खास बात ये रही है कि आपने हमेशा फिल्में जो बनाई हैं वो एक जीवन पे, कई लोग एक जीवन पे उनके उनके बारे में बनाते हैं, तो ये क्या मैटर करता है कि आप हमेशा एक कैरेक्टर को लेके बहुत ज़्यादा डीपली जाते हैं या क्या करते हैं? देखिए ऐसी बात है कि कई लोगों का ऐसा है कि मधुर भंडारकर जो बेसिकली है वो जर्नलिस्ट है, अपने आप में एक जर्नलिस्ट छुपा हुआ है, और वो जर्नलिस्ट जो है वो जो सेलुलॉइड पे दिखाता है, जो पर्दे पे दिखाता है, मधुर भंडारकर जर्नलिस्ट है जो पर्दों का है, पर्दे पे दिखाता है, तो मेरे ख्याल से मुझे अच्छा लगता है, डेफिनेटली एक स्ट्रिंग है मेरे में, एक जो बेसिकली मैं कहूँगा जहाँ पे जाके मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ऐसे अपने देश में अपने सोसाइटी में जो चीज़ है वो दिखाना ज़रूरी है, और कैलेंडर गर्ल्स भी उसी दर्शाता है कि जो हकीकत है, जो सच्चाई है। मधुर सर आपने बड़ी बड़ी हीरोइनों के साथ काम किया है फिल्मों में, लेकिन ये पांच गर्ल का चुनाव कैसे हुआ और क्या ये मैंने इसलिए इसमें बड़ी स्टार नहीं लिया या बड़ी हीरोइन इसलिए नहीं लिया क्योंकि कैलेंडर गर्ल जो होता है, जो माध्यम है, वो हमेशा जो होता है न्यू कमर्स का ही होता है, वो कोई बड़ा स्टार होता नहीं है, कोई बड़ी हीरोइन होती नहीं है, वो हीरोइन बन जाती है कैलेंडर गर्ल बनने के बाद, लेकिन जब बिगिनिंग में हम बात करते हैं तो हमेशा इसमें लड़कियां जो होती है नहीं होती है, गर्ल नेक्स्ट डोर हम कहते हैं, या अलग अलग जैसे मैंने कहा कि उसका कॉन्टेस्ट होता है, उसकी एक ये होता है कि उसके बाद ऑडिशन होता है, उसके बाद चुना जाता है। तो मैं चाहता था कि जो सब्जेक्ट मेरे दिमाग में जो थॉट आया, मुझे लगा कि कैलेंडर गर्ल एक ऐसा सब्जेक्ट है जो मुझे जल्दी बनाना चाहिए, तो 40 दिन में इस पिक्चर को ख़त्म किया न्यू कमर के साथ, तो मैं चाहता था न्यू कमर है, लेकिन मैं इतना दावा कहता हूँ कि जैसे फर्स्ट प्रोमो का जिस तरह से लोगों ने अप्रिशिएट किया है, कुछ 20 लाख हिट आ चुके अब तक के एक 8 दिन में, मेरे ख्याल से अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। और उस तरह से जब आप इस पिक्चर को देखेंगे, जब ट्रेलर पर देखोगे, पिक्चर देखोगे,
कहीं जाके आपको नहीं लगेगा कि ये फिल्म जो है न्यू कमर है, या इतने अच्छी तरह से पांचों लड़कियों ने काम किया है, उनका योगदान बहुत कमाल है। प्रोड्यूसर ने जो पूरी तरह से संगीता आहिर ने इस फिल्म को सपोर्ट किया है, वो एक फीमेल प्रोड्यूसर होने के जो उनका योगदान रहा है बहुत ही कमाल रहा है। और मेरे ख्याल से इसीलिए इस तरह का सब्जेक्ट, इस तरह का थॉट लोगों के लेके आना वो जरूरी था। देखिए, ये मैडम जी के बारे में प्रियंका और मैं पहले भी बात कर चुके हैं। मैडम जी एक जो सब्जेक्ट है बहुत ही क्लोज है मेरे, मैंने हमेशा कहा है मैडम जी कैसा सब्जेक्ट है, लेकिन ये है कि प्रियंका चोपड़ा बिजी हो गई अपना गंगा जल 2 में, उसके बाद वो इंग्लिश सीरियल जो कर रही है उसमें बिजी हो गई, तो नहीं हो पका डेट, क्योंकि मैं चाहता था 60 डेज एक साथ मुझे मिले और मैं शूट करूँ। प्रियंका मेरी फैमिली है, घर है मेरे लिए, और मैं ऐसा कोई ये नहीं है विवाद नहीं है, जिस तरह आप लोग लगते हैं कि प्रियंका और ये कि शी इज़ अ वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माई फैमिली है, मैं अभी भी कह रहा हूँ। तो हम लोग को जब लगेगा कि इस फिल्म को बनाना है जिस हिसाब का सब्जेक्ट है तो डेफिनेटली बनाएंगे। प्रियंका के लिए भी मैडम जी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसको सब्जेक्ट से उसको प्यार है, इस सब्जेक्ट को लेकर काफ़ी उत्साहित है वो, मुझे भी उतना ही उत्साहित है इस फिल्म को लेकर, क्योंकि जो कैरेक्टर उसके हिसाब से मैंने लिखा हुआ है। मधु जी एक सवाल मेरा, मेरे ख्याल से ये है कि कंगना ने डेफिनेटली फैशन एक ऐसी फिल्म थी उसके लिए, या प्रियंका के लिए, दोनों के लिए एक अलग ही सब्जेक्ट रहा है और दोनों के लिए करियर चेंज रहा है। और आज जिस तरह कंगना ने, जो मैं कहूँगा अपने आप को एक स्टार के रूप में, आज जो इतना बड़ा इनिशियल 150 करोड़ का बिजनेस हुआ है तनु वेड बनू का, मैं बहुत खुश हूँ। मेरे ख्याल से वो एक ऐसी मिडिल क्लास घर से आई है, हिमाचल से आई है, और जिस तरह से उसने अपने आप को काम किया इंस्पाइट ऑफ कोई गॉडफादर नहीं होने के बावजूद, कोई ऐसा इंडस्ट्री में कैंप नहीं को उसको सपोर्ट कर रहा है, उसके बावजूद भी उसने अपने आप में अपनी खुद की पोजीशन बनाई है, मेरे ख्याल से ये वो डेफिनेटली बधाई की प्राप्त है।